तीसरी बार वाराणसी संसदीय सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल किया है। ये सीधी तस्वीरें कलेक्ट्रेट दफ्तर के अंदर की हैं। वर्ष 2014-2019 दो बार बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ कलेक्ट्रेट दफ्तर में कई लोग नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। एनडीए के कई बड़े नेता नरेंद्र मोदी के साथ कलेक्ट्रेट दफ्तर में मौजूद हैं और नामांकन भरने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ गंगा की पूजा अर्चना भी की थी। वो तस्वीरें भी आप इंडिया टाइम 24 न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जबरदस्त रोड शो भी किया था। इस रोड शो में कई बड़े नेता मौजूद थे। उस रोड शो की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के नामांकन दाखिल करने के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए के अन्य नेता मौजूद रहे। नामांकन से पहले पीएम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा, अपनी काशी से मेरा रिश्ता अद्भुत है, अभिन्न है और अप्रतिम है। बस यही कह सकता हूं कि इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से कहा कि वो माँ गंगा के पुत्र हैं, माँ गंगा ने उन्हें गोद लिया है। उन्होंने कहा कि काशीवासियों ने उन्हें बनारसिया बना दिया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा, यूपी में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। गांधी परिवार सिर्फ मीडिया के लिए एक महत्वपूर्ण परिवार है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी वायनाड से भी भाग गए, केरल भी अब राहुल गांधी को पहचान चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल अमेठी से हारे तो अमेठी नहीं जाएंगे। तो अब देखना ये होगा चुनावी माहौल में कि प्रधानमंत्री दो बार बम्पर जीत हासिल कर चुके हैं इस सीट से, अब तीसरी बार कितने बड़े बहुमत से प्रधानमंत्री जीतते हैं। बहरहाल सबकी निगाहें चुनाव पर टिकी हैं। देश में चार चरणों में चुनाव हो चुका है और अब पांचवें चरण की तैयारी है। अब देखना ये होगा कि देश में किसकी सरकार बनती है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।